ब्रह्मा भोजन बनता था तो शुरुआती 30-35 लोगों से शुरू हुआ, 35 लोग का ब्रह्मा भोजन, और वो भी इधर उधर से सब जो आएंगे। लेकिन तब इतने स्ट्रिक्ट थे कि ब्रह्मा भोजन माना केवल ब्राह्मण ही आएंगे और कोई नहीं, तो ब्रह्मा भोजन है, बनाएंगे ब्राह्मण, भोग लगाएंगे और खाने। लेकिन फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ कि भले बनाएंगे ब्राह्मण, लेकिन ये बाबा के भंडारे का भोजन जब हम कहते जैसा अन्न वैसा मन, तो बाबा का दुनिया में प्रसाद मंदिर से लाते सारे मोहल्ले को बांटते हैं। कहाँ से लाए, पनकी गए थे, वैष्णो देवी गए थे, वहाँ गए थे, और कम पड़ जाएगा तो उसमें लहिया वगैरह और मिला के इलायची दाना बांट देंगे, थोड़ा वहाँ का खिलाएंगे बाकी यहाँ। तो प्रसाद का महत्व होता है, और इतना महत्व है, और यहाँ तक है कि जो प्रसाद मना कर दिया उनका क्या हुआ। तो सत्यनारायण स्वामी का जब कथा कराते हैं तो उसमें एक ये आता है चैप्टर कि राजा ने प्रसाद नहीं लिया था और प्रसाद छोड़ के कथा छोड़ के चले गए थे, तो सबको मालूम है क्या हुआ था। तो प्रसाद ना लेने का हर्ष क्या होता है, तो प्रसाद माना सबको मिलना चाहिए। तो एक बार बाबा ने भी कहा बच्चे प्रसाद जो है भोग, दुनिया प्रसाद कहती है, सुबह से शाम तक जो भी आए, चाहे किसका नौकर आए, ड्राइवर आए, जो भी आए, रिक्शे से आए, रिक्शा वाला आए, आज बृहस्पत का भोग जरूर लेके जाना। वो आदत पड़ गई है कि कोई भी आए उसको भोग, क्योंकि वो आया इस दिन है। जैसे आपके यहाँ सत्यनारायण की कथा हो तो जो उस दिन आएगा सबको आप क्या कहेंगे, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ। तो इसलिए ये सब होने लगा और धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ने लगे। तो वो लिस्ट देख करके समझ जाते थे आज मुझे मेरी तरफ से भोग है तो करना है, अगर उनको कहीं जाना है तो वो पहले से अगले वाले को बता देते थे, तो बहन जी आप इनको बता दीजिए जो मेरे के बाद वाले का टर्न है और इनके टर्न पे हम कर देते, और जो भोग लगाए वो हाजिर रहे। ऐसे नहीं हमारे टर्न पे हम पैसा दे जा रहे हैं भोग लगा देना। मान लो आपने पंडित जी को बुलाया, किसी महात्मा संत को बुलाया जीवने के लिए, और आप गायब हो जाओ और बाकी सबको दे जाओ, किचन वालों को सबको बना के खिला देंगे, मेड तो बैठी है और घर वाली बहुएं भी बैठे हैं, लेकिन मेन जो है वो गायब है, तो कैसा लगेगा। कोई रिश्तेदार भी आए और घर का मुखिया गायब हो, नहीं उसको जरूर रहना है जिसकी तरफ से बाबा को भोग लग रहा है। तो धीरे 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 इसका महत्व तो बढ़ा। फिर कहते देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। जैसे हमारे पास देखी युगल आए, तो चांस की बात है कि जिस दिन वो आए थे उसके 3 दिन पहले उनको बाबा ने स्वप्न दिया था। कभी कोर्स किया था, क्लास किया था, यूट्यूब में सुनते थे, टीचर हैं पढ़ाती हैं, तो कहती थी पहले सब बड़े बड़े फोन लेते थे, हम कहते बेकार है, लेकिन मेरे को बहुत फायदा हुआ उससे बड़े फोन लेके स्कूल में, तो हम तो सब सुनते थे जो भी अपने यज्ञ का होता है। तो उनको बाबा ने याद दिलाया कि आज तुम जाओ और जा करके बात करो, और फलाने दिन तुम्हारे पति का बर्थडे है, बर्थडे मनाओ। कैसे बाबा ने टच किया, तो हर एक की लगन कैसे किसको बाबा का बच्चा बनना है। तो वो इसी बात के लिए आई थी कि अगर भोग लगाना हो, कभी भोग नहीं लगवाया था, कोर्स करके छोड़ दिया था, बस वो फोन पे ही 4-5 साल से चल रहे थे। तो चांस की बात है उस दिन ब्रह्मा पूछे। अभी हमसे बात भी नहीं किया लेकिन संकल्प कर लिया, ऐसा ब्रह्मा भोजन तो हम पहले कराएंगे। भोजन के खाते जैसा अन्न वैसा मन, तो उसी दिन संकल्प किया, लेकिन हमको बताया नहीं, बाद में बताया गणपति का तो बर्थडे कहा, तो हमने कहा ठीक है। फिर उनके बेटे का बर्थडे,
तो मना उनका है कि ब्रह्मा भोजन आप जरूर कराओ, हमारी तरफ से बहुत अच्छे से अच्छा करो, मेरा तब से ख्याल चल रहा है। अब वो साल भर से उनका वही संकल्प चल रहा है, टलता जा रहा टलता जा रहा। अभी बोला 28 को फरवरी इसी जनवरी को बच्चे बर्थडे, मैंने कहा नहीं हो सकता, मधुबन जा रहे हैं तो ठीक है, उतनी भोग लगा देना, टीका निकाल देना बच्चे का, बाद में कर ले, मैंने करना है। तो जो भी है तो देख करके वाइब्रेशन भावना ब्रह्मा भोजन, और ये क्यों महिमा आती है क्योंकि भक्ति मार्ग का भी है। और बाबा के बच्चे कहते शिव भोलानाथ की तो भंडारी है, भंडारी ब्रह्मा बाबा की नहीं है, यह कहीं कहीं लिखा है ब्रह्मा बाबा भंडारी, शिव भोलानाथ की भंडारी। तो फिर लेकिन भंडारा किसका है, जो ब्रह्मा भोजन भंडारा भी शिव भोलानाथ का, और जो भोजन तैयार हुआ वो ब्रह्मा भोजन है, तो भोजन ही कहा गया, क्योंकि बनाने वाले इस भोजन को कोई कुक नहीं है, कोई बाहर के कैटर्स को नहीं दिया गया, तो बनाने वाले ब्राह्मण है, ब्रह्मा के बच्चे, इसलिए क्या नाम दिया, और शिव बाबा जो भोजन को स्वीकार करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ज्योति बिंदु है। लेकिन ये भी कहा बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी, फिर बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी। अब निराकार कैसे सकल रस भोगी बनेंगे, और इतना भोग हमारे आज 9000 सेंटर्स हैं, कितना भोग लगता होगा, कितनी पाठशालाएं होंगी, कितने भाई बहन अपने घरों में बाबा का बना के भोग लगाते हैं बड़ी शुद्धता से प्यार से पवित्रता से। तो चूंकि बनाने वाले पवित्र ब्राह्मण हैं ब्रह्मा भोजन, तो एक बार क्या हुआ था मधुबन में, साउथ की दो माताएं आई थी और बहुत अच्छे घर की थी और भक्ति वाली थी, तो सुख धाम में उन दोनों को रहने की जगह दी गई थी। वो 3 दिन का अपना खाना लेके आई थी, जो भी बना के 3 दिन चल जाए, वो खाती नहीं थी कहीं का नहीं खाती थी, उनका अपना नियम था, इतनी वो भक्ति वाली ढूंढी थी कहीं नहीं खाती। तो वो रात को दिन के टाइम पे दोनों सो रही थी, उनको स्वप्न आया कि बच्ची ये संगम योग है, जिस ब्रह्मा भोजन को देवताएं भी तरसते हैं, क्योंकि देवताएं होंगे सतयुग में, ब्रह्मा भोजन बनता है संगम पर, तो दो नदी के किनारे मिल तो नहीं सकते, मिलेंगे जब सतयुग होगा, तो ब्राह्मण नहीं होंगे, शिव बाबा नहीं होगा, बाबा परम धाम में होगा। तो तुम्हें पता ये भोजन कौन बना रहा है, और अगर ब्राह्मण बन के भी तुमने ये भोजन नहीं किया तो कुछ नहीं, कुछ मिला ही नहीं। तो बाबा ने साक्षात्कार कराया कि रूप तो वही है जो किचन में भोजन बनाने वाले, लेकिन उनके सिर पे डबल ताज दिखाया, लाइट का और रतन जल और वेशभूषा देवता ही। तो कहा बच्ची ये भविष्य के देवता हैं, भविष्य होने वाले देवता हैं और संगम के ब्राह्मण हैं, तो जो देवताओं को भी भोजन नहीं मिलता वो ब्राह्मण संगम पे बना रहे हैं, इसलिए तुमको ये भोजन खाना है बाप के घर, ये किसी और जगह का भोजन नहीं है। तो दोनों की नींद खुली और दोनों ने अपने अपने स्वप्न सुनाए, और एक जैसा स्वप्न दोनों, उन्होंने अपना सुनाया उन्होंने अपना सुनाया, फिर दोनों उठी। तो हमारी जो भोली दादी थी जिसका कभी मुरलियों में नीचे कराता है बाबा करते हैं, तो यज्ञ की स्थापना हुई थी पूरे भंडारे के इंचार्ज भोली दादी, कितना भोजन बनना है, रात हो दिन हो कितनी पार्टियां आई, और कभी ना नहीं करती, अगर किसी को मक्खन दे रही हो कोई कह दे पापड़ तो हाँ सिंधी में तरस तरस मना रुको भी दे रहे। तो ऐसे करके कभी उसे ना नहीं, और सारी दुनिया दोपहर को रेस्ट करती थी, भोली दादी बैठे रहते थे भंडारे कि कब कौन आ जाएगा क्या चीज लेने आएगा।
तो भोली दादी ने देखा कि जब भोजन बचता है, अभी भी बचता है, तो बड़े भंडारे में काउंटर बना दिया जाता है। तो बाल्टियां गैलोनाइज की थी, जो कभी सुनना मंजूबन फरीदाबाद से लेके आई थी, वो लंबी स्टोरी है कैसे खरीदने के लिए गई थी। तो वो ढक्कनदार थी और उसी में भोजन बचा हुआ लाइन से, एक में रोटी दाल सब्जी रायता जो भी है। जिसको देर सवेर कोई घूमने गया या पार्टी देरी से आई है, भोजन रखा खुद सर्विस करो परसों खाओ। तो वो दोनों माताएं जब आई तो थाली ढूंढी और अपने आप उसी में से बचा हुआ, माताओं की वेशभूषा सकल सूरत देख करके लगा कि ये साधारण माताएं नहीं। तो भोली दादी ने उनका नाम पूछ लिया और किस टीचर बहन के साथ आई और किस सेंटर से, किस शहर से आई, बस कुछ नहीं। जब वो बहन मिली तो भोली दादी ने कहा कि देखो तुम इतने अच्छे लोगों को ले आती हो जो वीआईपी कैटेगरी है, तो उनका ध्यान दो, ऐसे नहीं छोड़ो उनको। तो बोली दादी आप किसकी बात कर रही हो, तो भोजन खा ही नहीं सकती वो अपने पे सही, वो अपने पे सही नहीं है, किसकी माता है, तेरी माता है या नहीं है, फिर माता तो मेरी है दादी, पर वो खाने के नहीं आ सकती। अच्छा जाओ तुम पूछो। जब टीचर बहन गई और पूछा तो बात सही निकली बोली दादी की, उन्होंने बताया, तो तब से उनको भावना बैठी है। तो जब भावना बैठ गई तो स्वाभाविक है ब्रह्मा भोजन भी कराएंगी तो खाएंगी भी, तो बाबा के घर का कुछ भी हो तो उनके लिए अमृत है। तो बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन आप मित्र थोड़ा दिया जाओ और अगर ब्रह्मा भोजन की बात कहें तो हम लगाते किसको है, ये भोग हम किसी किसको लगाते, पहले तो ये निश्चय हो कि हम शिव बाबा को लगाते हैं, लेकिन शिव बाबा भोजन को सूक्ष्म वतन में किस तन से स्वीकार करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे राजे लोगों को, राजा का बगीचा है, राजा का फूल है, माली ने संभाला है, लेकिन अगर माली एक फूल लेके राजा के पास जाए तो बख्शीश में लेके आएगा कि नहीं लाएगा, राजा ऐसे लौटा देंगे। अगर बालिन दही की कुलिया लेके जाए, छोटा सा कुल्लड़, उसको भी बख्शीश में हीरे मोती मिलते हैं। तो ब्रह्मा भोजन शिव बाबा खाएंगे नहीं, लेकिन बाबा के निमित्त बनाया तो ब्रह्मा तन से देखेंगे कि नहीं, संकल्पों से स्वीकार करेंगे कि नहीं मेरे लिए बना है। और उसमें जो बाबा दृष्टि भरेंगे, जो वेब्स डालेंगे, उसमें जो बाबा की दृष्टि का जो रेस कहो, वाइब्रेशन कहो, वो कितना पावरफुल होगा, तो खाने वाले का अंतःकरण कितना अच्छा होगा। तो बाबा को वतन में भोग लगाएंगे तो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, शिव बाबा है। सारी सृष्टि का रचयिता शिव बाबा है। तो जैसे आप बीज में अगर पानी डालें तो सारे वृक्ष को मिल जाएगा, केवल बीज को पानी नहीं दिया है, पूरे पेड़ को पानी दिया है। पत्ते पत्ते को धोएंगे तो जड़ में पानी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इसका जिक्र थोड़ा सा भागवत में भी आता है कि जब सुदामा दो मुट्ठी चावल लेके गए थे, लेकिन उन्होंने संकोच के बस दिया नहीं था श्री कृष्ण, दे दिया था कि लाए आपके लिए भेंट, उन्होंने जबरदस्ती लिया था और ले करके स्वीकार किया था। तो उसके बदले में क्या दिया, सोने की दुनिया, सोने के महल। तो दो मुट्ठी चावल के बदले दिया। तो चित्रगुप्त आए अपना फरियाद करने कि भगवान आप तो विधि के विधाता हैं, आपने ये भूल की है, विधान को तोड़ा है, तो आम जनता तो पहले उसका उल्लंघन करेगी नियम का, क्या क्या किया है। का देखो ये लिखा हुआ है ना, सुदामा के जीवन में दरिद्रता, आपने कुबेर जैसी धनराशि दे दी, तो ये आपने नियम को तोड़ा है ना,
बोले नहीं, फिर से ध्यान से देखो। तो फिर देखा का नहीं, देखो इसमें लिखा है श्री क्षय। श्री माना संपत्ति, क्षय माना नष्ट, तो गरीबी तो हो ही गई। तो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे त्रिलोकी नाथ को सुदामा ने दो मुट्ठी चावल दिया, मैंने स्वीकार किया, तो तीनों लोगों ने भोजन किया। बीच में पानी पड़ा तो पूरे वृक्ष को मिला। तीनों लोगों ने भोजन किया। तो एक ब्राह्मण को जिमाने से तो पुण्य बनता है, 10 को जिमाने से पुण्य बनता है, और जो तीनों लोगों के प्राणियों को भोजन करा दे उसका कोई पुण्य नहीं है। और वहां तो चुप हो गए। तो कहा देखो, श्री अपनी जगह है, केवल छा को दाहिने हाथ कर दिया और या को बाएं हाथ पे कर दिया। तीनों अक्षर है, ना घटाया ना बढ़ाया। अब पढ़ो क्या होगा। अब श्री छह से यक्ष हो गया, अना कुबेर जैसी धनराशि। तो जो तीनों लोगों को भोजन कराए, तो अक्षर भी इधर से इधर किया, तो क्या हमने चेंज किया, ना एक घटाया ना एक बढ़ाया। तो उसका जरूर है कि 1000 गुना क्या करोड़ गुना। लोग कहते हैं एक देव में 10 पावे, लेकिन नहीं, बहुत होता है। भोग लगाना है, आप लोग भी बैठे एक और सुना था। किसी ने कहा कि एक देव तो 10 पाए, पर किसी ने भगवान के लिए कहा, कोई भक्त था, एक भिखारी को कहा कि देखो तुम भीख तो मांगते हो, तो कटोरा लेके हाथ से मांग रहे, लेकिन मन बुद्धि से भगवान को याद करो तो एक दिन भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे कटोरे में डालने के लिए, मजबूर हो जाएंगे। तो जब भगवान आएंगे तो वो तुमसे ये कहेंगे कि जो मांगना है वरदान मांग लो। वो भी खाली यही किया, रोज सोचता था, रोज सोचता था, रोज नया वरदान, आज ये मांगेंगे, फिर दूसरे दिन सोचे नहीं इससे दूसरा तीसरा, ऐसे माना समझ लो कि रोज वो कोई एक नया वरदान सामने बुद्धि में रखता था। तो भगवान तो आए, लेकिन उल्टा हो गया। भगवान ने कहा ही नहीं कि तुम मेरे से वरदान मांगो, कहा तुम्हारी झोली में क्या है, कटोरे में, कहा चावल है भगवान, कितना है दिखाया, कहा शाम तक यही मिला है, कहा ऐसा करो सब मुझे देना। सब मुझे दे दो। अब वो भी खा रही तो बेचारा परेशान, वरदान तो कहा ही नहीं मांगो, उल्टा जितना मिला है शाम को बच्चों को खिलाएंगे। अब वहां बच्चों की मोह ममता तो जागेगी ना, जाएंगे। अब भगवान की भी सुननी है, पेट भरना है। अब यहाँ ठेकेदार हो गया, बच्चों का हो गया, राज बहुत बड़ा था। तो उसने सोचा कि भगवान की बात को आज्ञाकारी करके एक चावल दे, और घर गया मुंह लटका के। पत्नी तो पूछेगी क्या भगवान प्रकट हुए थे, बारह सुना दिया। तो कहा अच्छा, तो तुम भगवान को एक ही चावल दे आए, कहते बच्चों को क्या खिलाता, चलो ठीक है लाओ, भगवान को यही मंजूर होगा हम लोग को। तो जब वो थाली में चावल साफ करने लगी, तो एक चावल 10 गुना चावल के बराबर सोने का था। अब उसकी क्या बीती होगी, अब उसपे क्या बीती होगी। तो बच्चों के मोहों में भगवान को भी भूल गए। अब उससे तो बच्चे क्या, तुम्हारी क्या पीढ़ी तर जाती। तो उसी समय भगवान जो कह रहा है, अगर ये निश्चय है, तो उस निश्चय में भी बहुत बड़ा कल्याण होता है। और ऐसे दूसरा भिखारी था, उसको भी कहा भगवान जब आएगा प्रकट होगा, तो सूरदास था, उसको तो आंख भी नहीं थी। तो उसको भगवान ने कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है एक वरदान मांगना, लेकिन वो रोज ताना बाना नहीं बनता था, पहले से एक ही सोच लिया था, वो रोज सोचता था आज ये मांगे वो मांगे, ये ना मांगे वो मांगे। तो एक से बुद्धि स्थिर थी, तो स्थिर बुद्धि, तो उसने कहा भगवान हम चौथी मंजिल से अपने पोतरे को सोने के कटोरे में दूध पीता देख लिया,
क्या हुआ? पहले आंख हो, फिर अंधे को शादी हो, धन मिले, मकान बने, शादी हो, बेटा हो, पोता हो, पोते को चौथी मंजिल से सोने का डोरा, कितना धन चाहिए? तो जो रोज ये सोचते हैं बाबा से, बाबा आज ये समस्या है, बाबा ये प्रॉब्लम है, बाबा वो प्रॉब्लम है, तो रोज एक नई समस्या आके खड़ी हो जाती है, रोज खड़ी होगी। तो चूहा को भगाया, आटा दाल खाता था, कपड़े उतारता था, चूहा भागा तो तब बिल्ली आ गई, बिल्ली को डंडा मार के भगाया तो कुत्ता आ गया, कुत्ता को भगाया तो गैया घुसी आई। तो एक है निश्चय, एक है विश्वास, एक है भरोसा। तो मेरा तो एक शिव बाबा, वो भरोसा। तो जैसे कहते हैं मीरा जब संतों के बीच में गई तो बाद में उसने गीत सुनाया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो एक संत ने कहा, मीरा तुमने गाया तो बहुत अच्छा परंतु इसमें राग नहीं थी। कहा देखो राग चाहिए मनुष्यों के लिए और अनुराग चाहिए प्रभु के लिए। मैंने तो अनुराग में गाया है। तो बाबा पे भरोसा कितना है और अनुराग कितना है। तो जब उस निश्चय से, उस लगन से फिर बाबा को भोग लगाते हैं, तब फिर कहा गया भोग लगाओ तो भोग ना मिटे। जो जीवन की प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, क्योंकि इतना दिन तो हम याद करेंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, फिर वो सुधन सबको। तो बाबा को कितना याद किया और किस तरीके से याद किया, किस विधि से याद किया, वो भी तो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बच्चों का पेपर तिमाही छमाही और तो हर महीने टेस्ट होता है, तो सारे नंबर जुड़ते हैं। तो जो ब्रह्मा भोजन है इसका बहुत 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 महत्व है। ज्ञानी बनना, योगी बनना, धारणा वाला बनना, लेकिन राजयुक्त बनना ये बड़ा मुश्किल की सीढ़ी है। ज्ञान युक्त, योग युक्त, राजयुक्त बनना मुश्किल का काम है, धारणा युक्त भी बन जाएगी। इसीलिए ये बहुत बहुत जो किसी के दिमाग में आता है, किस भावना से आता है और कैसे बनाते हैं, तो बनाने वाले भी क्या प्रेम से, बैठने वाले भी। तो अब जब भोग लग रहा है तो पहले जमाने में संत महात्मा ब्राह्मणों को भोजन जिमाते थे तो लोग कुछ नहीं करते थे, तो सामने जाके भजन गाते थे। बचपन में जो बुजुर्ग हैं उनको मालूम, बहुत प्यार से वो भजन गाते थे और पंडित लोग भोजन को जीमते थे और कहते थे इनको देखने से पुण्य मिलेगा, जो ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं पंडित लोग, इनको देखने से पुण्य मिलेगा। ये किसी ने सुना है? सुना है किसी ने? नहीं सुना है, सब नई पीढ़ी के कहाँ से। तो शिव बाबा जब भोजन कर रहे हैं, भोग को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप सभी वतन में चलिए, ऐसे नहीं जो बहन जी यहाँ बैठी वही भोग लगाए, उनकी जिम्मेदारी है। सब लोग चलिए दे दे की दुनिया से पार, सूरज चांद सितारों से पार, और सब लोग सूक्ष्म वतन में पहुंच जाइए और सभी बुद्धि से बाबा से दृष्टि लीजिए, नजर मिलाइए, शक्ति लीजिए, और ऐसे जैसे हमारी उपस्थिति में बाबा भोग स्वीकार करते। सुना? अब चलो बाबा। Oh, thank you.